चलिए दिया कि हमारे द्वारा खुद रचित एक कविता है जो भारतीय सेना कैसे युद्ध में लड़ती है और उसके घर परिवार जो बहन होती है और उसकी माँ होती है क्या सोचती है, तो वही आपके सामने चित्रित करना चाहूंगा। लगी है लड़ाई सीमा पर, लगी है लड़ाई सीमा पर, एक सैनिक ना विश्राम करे। लगी है लड़ाई सीमा पर, एक सैनिक ना विश्राम करे। हाथों में लेकर राखी बहना भाई का इंतजार करे। हाथों में लेकर राखी बहना भाई का इंतजार करे। चल रही है गोली सीमा पर, चल रही है गोली सीमा पर, एक सैनिक भी गोली वार करे। चल रही है गोली सीमा पर, एक सैनिक भी गोली वार करे। सहरा लेकर हाथों में, हाँ सहरा लेकर हाथों में, माँ अपने बेटे का इंतजार करे, माँ अपने बेटे का इंतजार करे। तो अक्सर होता है, आप देखते होंगे कि जो हमारे फौजी भाई हैं उनका अगर मान लीजिए माँ यही सोचती है कि हमारे बेटा की कब शादी होगा, तो सहरा लेकर इंतजार करती है और बहन यही सोचती है कि भैया कब आएंगे, कि हम राखी बांधे होंगे कब आएंगे। ये आप लोग दुख से परिचित होंगे, अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हैं जो हम दुख से लिखे हैं, जो दर्द से लिखे हैं उसको रिलेट करिएगा, आप लोग समझ पाएंगे। आगे है कि खाना पीना सब है छूटा, खाना पीना सब है छूटा। कहने का मतलब क्या है कि जब जंग छिड़ी है तो सैनिक को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, सिर्फ लगता है कि सरहद हमारा सुरक्षित रहे। यही कहता है कि खाना पीना सब है छूटा, उंगली ट्रिगर पर रखना है, ट्रिगर मतलब बंदूक पर रखना है। कि खाना पीना सब है छूटा, उंगली ट्रिगर पर रखना है, सैनिक को अपना खाली पेट बस गोलियों से भरना है, बस गोलियों से भरना है। खाकर गोली सीने पर, खाकर गोली सीने पर, तिरंगे का सम्मान करें। खाकर गोली सीने पर, तिरंगे का सम्मान करें। हो तिरंगा कफन भी मेरा, यही मेरा भगवान करे, यही मेरा भगवान करे। हर देशवासी के दिल में यह होता है कि हमारा तिरंगा जो है, हमारा कफन बने। कहने का मतलब क्या है, जो शहीद होता है उसका तन तिरंगे में ही आता है, उसको कफन तिरंगे में मिलता है। तो हमारा भी आशा है कि उसी तिरंगे में हमको भी कफन मिले, एक शहीद कहता है। आगे कहता है देखिएगा कि भारत माँ के उस लाल को, भारत माँ के उस लाल को अखिलेश बारंबार प्रणाम करे। भारत माँ के उस लाल को अखिलेश बारंबार प्रणाम करे। जब तक सूरज चांद रहे भारत माँ का ही गुणगान करे, जब तक सूरज चांद रहे भारत माँ का ही गुणगान करे। घर आया, घर आया लिपट तिरंगे में, घर आया लिपट तिरंगे में, बहना ने राखी बांध दिए। घर आया लिपट तिरंगे में, बहना ने राखी बांध दिए। सहरा लेकर दौड़ी माँ जिनके हैं अपने लाल खोए, जिनको ने अपने लाल खोए। एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि भारत माँ के उस लाल को अखिलेश बारंबार प्रणाम करे, जब तक सूरज चांद रहे भारत माँ का ही गुणगान करे। घर आया तिरंगे में लिपट, मतलब क्या होता है तिरंगे में कफन, कफन तो तिरंगा ही होता है। आगे बोलते हैं घर आया लिपट तिरंगे में, बहना ने राखी बांध दिए। अब भाई तो चल वैसा मतलब शहीद हो गया, बहना नहीं राखी बांधती है और कहती है कि हमारा संकल्प पूरा हुआ, हमारा भाई लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हुआ, तो गर्व की बात है। और माँ भी कहती है, और माँ भी दौड़ती है, सहरा लेकर दौड़ी माँ जिसने है अपना लाल खोए, सहरा लेकर दौड़ी माँ जिसने है अपना लाल खोए। और आगे कहना चाहे हैं, आंखें है जाति भर, आंखें है जाति भर इस करुण व्यथा सुनाने को, आंखें है जाती भर इस करुण व्यथा सुनाने में, बहन की राखी माँ का सेहरा अब बंद पड़ा तय खाने में, अब बंद पड़ा तय खाने में। तो एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत।